टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा ऑडियंस है और टिकटॉक का यूज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गाइस काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि टिकटॉक के ऊपर से हम रुपए कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या यूट्यूब के जैसे टिकटॉक के ऊपर भी एड्स लगा के एड्स से टिकटॉक से अर्न कर सकते हैं, क्या हम टिकटॉक की वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं। सो गाइस अभी टिकटॉक इसी के ऊपर काम कर रहा है, आपको बहुत जल्दी ही आपके टिकटॉक के अंदर एड्स देखने को मिलने वाले हैं और आप इससे रुपए कमा सकते हो। जैसे आप यूट्यूब से एड्स के जरिए रुपए कमा सकते हो, अब आप वैसे ही टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाओगे और आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आने वाली हैं और आप उन एड्स से अर्निंग कर पाओगे। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टिकटॉक अपने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। सो गाइस आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप टिकटॉक से आगे फ्यूचर के अंदर अर्निंग कैसे कर पाओगे, टिकटॉक वाले आपको एड्स कैसे देंगे, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स कैसे आने वाली हैं और आपको रुपए कैसे मिलेंगे, आपके बैंक में मिलेंगे और कब मिलेंगे, और ये पूरा टिकटॉक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम क्या है। तभी टिकटॉक वालों ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, ये सभी रिपोर्ट्स मीडिया के अनुसार हैं और टिकटॉक इसके ऊपर अभी काम कर रहा है। सो सभी जानकारी टिकटॉक से अर्निंग करने की एड्स के जरिए इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो सभी जानकारी है ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है। गाइस जैसे कि आप यूट्यूब से एड्स के जरिए अर्निंग कर सकते हो अपनी वीडियोस को बना के, जब आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आती हैं तो यहां पर आपको पैसे मिलते हैं, ठीक उसी तरह से ही अब टिकटॉक काम कर रहा है। अगर आपने कोई वीडियो टिकटॉक के ऊपर अपलोड की और वहां पर ज्यादा व्यूज लाइक आते हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आने वाली हैं और जो लोग आपकी एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आपकी एड्स को सिर्फ देखेंगे या फिर उनको आपकी एड्स दिख जाएगी, यहां पर टिकटॉक वाले आपको पैसा देने वाले हैं। अब आप जो भी कंटेंट अपलोड करोगे उसके ऊपर पैसा मिलने वाला है, बट ये फिलहाल नहीं होने वाला है, टिकटॉक अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये आपको फ्यूचर के अंदर शायद देखने को मिल जाए, अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है बट ये काफी सारे रूमर्स यहां पर आ रहे हैं। जो टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जितने लोग यहां पर टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं लगभग मोस्टली लोग ही वहां पर टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस को भी बनाते हैं। सो गाइस यहां पर हर कोई बंदा टिकटॉक के ऊपर पॉपुलर नहीं बन सकता है, अगर कोई पॉपुलर है तो गाइस वो यहां पर अर्निंग कर सकता है, जैसे कि यहां पर वो अपनी स्पॉन्सरशिप से अर्निंग कर सकता है जब वो फेमस हो जाते हैं। सो काफी सारे कंपनी वाले उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं। आप टिकटॉक की वीडियोस देखते हो, सो जब आप वीडियोस को स्क्रॉल करते हो तो वहां पर आपने अब काफी सारी एड्स देखी होंगी। सो गाइस टिकटॉक ने अपना यहां पर एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, अब काफी सारी कंपनियां हैं जो टिकटॉक को एड्स देती है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा है, अब आपको टिकटॉक के ऊपर एड्स देखने को मिल जाएंगी जब आप वीडियोस को स्क्रॉल करते हो। सो गाइस इसी तरह से ही बहुत जल्दी ही टिकटॉक काम कर रहा है एक ऐसे फीचर के अंदर, वो अब आपकी वीडियोस को आगे फ्यूचर में मोनेटाइज कर सकता है, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स लगा सकते हैं फ्यूचर के अंदर और इससे आपको रुपए मिलने वाले हैं। इसका कुछ हिस्सा तो टिकटॉक वाले रख सकते हैं और कुछ हिस्सा आपको मिलने वाला है, जैसे कि गाइस आपको यूट्यूब के ऊपर जो एड्स आती हैं उसका कुछ हिस्सा तो यूट्यूब वाले रख लेते हैं और कुछ हिस्सा आपको मिलता है, ठीक वैसे ही आपको टिकटॉक के ऊपर भी यहां पर अर्निंग होने वाली है। आपकी एड्स का कुछ हिस्सा तो टिकटॉक वाले रख लेंगे और कुछ हिस्सा यहां पर आपको मिलने वाला है, ये रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिलने वाला है। बाइट डांस कंपनी है जो कि चाइना की कंपनी है, उसी का प्रोडक्ट है टिकटॉक और ये फ्यूचर के अंदर बहुत जल्दी ही ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है। जो मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम है ये सभी को नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी वीडियोस अच्छी होंगी, जिन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रखा होगा, उनके कुछ फैंस या फिर कुछ लाइक्स भी होने चाहिए। ज्यादा लाइक्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है बट यहाँ पर कुछ होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि आप आज ही अकाउंट बनाओ और आपको आज ही आपका टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज हो जाए। गाइस इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है अगर यहाँ पर आपके थोड़े से फैन लाइक्स होते हैं। गाइस जब आपकी वीडियो मोनेटाइज होंगी तो गाइस आपके अकाउंट के अंदर भी वीडियोस आ सकती हैं, आपकी वीडियो के ऊपर भी पॉपअप वीडियो आ सकती हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर कुछ लिंक भी आ सकता है, कोई वीडियो देखने वाला आपके उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा या फिर उस एड को देखेगा सो उसके हिसाब से आपको अर्निंग होने वाली है। गाइस हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर यूट्यूब की और टिकटॉक की टक्कर हो, बट गाइस फिलहाल यूट्यूब एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उसकी अभी टक्कर टिकटॉक नहीं कर सकता है, बट अभी फ्यूचर का ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि आपको यहां पर एड्स देखने को मिलने वाली है। जब टिकटॉक के ऊपर एड्स आएंगी तो यहां पर आपको वीडियो देखने का मजा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि काफी सारी एड्स होंगी तो यहां पर आपकी वीडियो देखने में इंटरेस्ट काफी कम हो जाएगा। फिलहाल जो टिकटॉक वाले हैं वो यहां पर अपने हैशटैग से कमाते हैं, काफी सारी कंपनियां आती हैं और उनको यहां पर पेड स्पॉन्सरशिप देती हैं, जब वो अपने हैशटैग लगाते हैं और उनको चैलेंज के अंदर सर्च वाले ऑप्शन के अंदर लाते हैं और लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। साथ ही में अब आपको टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल जाएंगी जिससे टिकटॉक वाले अर्न करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम फिलहाल अभी टिकटॉक से कैसे अर्न कर सकते हैं सो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी। साथ ही में आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं techtakneek.com और वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको चैनल में, सो आप उनको चेक कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।